फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, सब कैसे हैं? सब ठीक हैं सारे फ्रेंड? आई होप सब ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं और मैंने सोचा मैं इस पर ब्लॉग बना लूं। तो हम जा रहे हैं सब्जी लेने, और सब्जी लेने में मैं जाऊंगी बंद करेला लेने। आप जानते हो बंद करेला क्या होता है? नहीं जानते हो तो मैं आपको गूगल से अभी बताती हूँ ढूंढ के। मैंने अभी गूगल में पता किया है, इसको कंटोला भी कहते हैं। बन करेला होता है और इसका नाम है कंटोला। तो अभी हम ये वाली सब्जी अगर मुझे मिल जाती है तो मैं ये सब्जी लेने जा रही हूँ। देखती हूँ मिलती है कि नहीं, तो मैं आपको सब्जी मंडी का भी ब्लॉग बनाऊँगी, ट्राई करूँगी, हो सकता है। और मैंने ये घर का काम कर लिया है, ये मैंने कपड़ों की तय कर दी है। अभी वैसा वाला काम तो खैर नहीं हुआ है हमारा, झाड़ू पोंछा वो मैं आके करूँगी, क्योंकि पसीने पसीने हो जाएंगे, आके ही नहाऊँगी। मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, हम चलते हैं अब सब्जी मंडी, अब जाएंगे सब्जी मंडी। अब हम ये मार्केट में आ गए हैं, अब सब्जी मंडी जा रहे हैं हम सब्जी लेने के लिए। मेरी मनपसंद सब्जी शायद मिल जाए वहाँ पर, देखते हैं। पर बारिश तो हो नहीं रही है ज़्यादा, तो मुझे लगता नहीं है कि मिलेगी, पर देखो ट्राई करते हैं। और यहाँ देखिए बिल्कुल बाज़ारों में भीड़ तो है ही नहीं, जैसे लग रहा है जैसे कि कहाँ चले गए आदमी। सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लगता है, कितनी भीड़ हो, मतलब ज़्यादा नहीं हो, इतना भीड़ भाड़ रहती है। दिन में तो कितने सारी भीड़ हो जाती है कि निकलने को मन नहीं करता है। अब बिल्कुल सड़कें इतनी साफ हैं, सही है। ये पार्क है, पार्क में लोग आ गए हैं सैर करने के लिए, साइड में है पार्क। सुबह का तो सीन ही अलग होता है, अच्छा लगता है बहुत। अब हम मंडी आ चुके हैं और ये केशवपुर मंडी है। तो हम केशवपुर मंडी में आ गए हैं और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। ये देखिए कितने सारे आम हैं यहाँ पर, कितनी सारी सब्जियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए टमाटर इतने सारे, और हर सब्जी है, टंडे वंडे, लौकी है, गोभी है, खीरे, आलू, प्याज, नींबू, इतनी सारी सब्जियाँ पड़ी हैं। ये देखिए खीरे हैं, टमाटर कितने हैं, आलू हैं, प्याज हैं, आम हैं कितने सारे, तरबूज, मौसमी इतने सारे आम, ये प्लम है। तो वो ले ले फिर। देख बड़ा वाला माल है, वही बोल रहा है 200 वाला माल, 150। नहीं वो बाहर से आता, वो तो नहीं है भाई, बाहर का नहीं, इंडिया का भाई। शक्लियाँ उनको छलियाँ लेनी। देखिए यहाँ पे नींबू, अदरक है, लहसुन इतना सारा, और ये छली है। हम यहाँ पे ये छली ले रहे हैं। ये वाली इधर की वाली मार्केट मैंने देखी नहीं है। वैसे तो ये सब्जी मंडी बहुत बड़ी है, हम शायद पूरी सब्जी मंडी नहीं दिखा पाऊंगी आपको। ये अब हम आम ले रहे हैं, हमने छली ले ली है। और ये सड़ता है देखो उधर, तरबूज, ये सड़ता है, आम ले लिए हमने, और ये दूसरे वाले आम हैं, मौसमी देखो कितनी सारी। यहाँ पे ये भाई कुछ कह रहा है ये ब्लैक अंबर है, पर हम लेंगे नहीं। हम इस ये चेरी है ऑरेंज वाली, ये सरदा, हमने सिर्फ आम और छली ली है। और तो और मेरी तो पसंद वाली सब्जी मिली नहीं है, तो मुझे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। मेरे बन करेला यहाँ पे नहीं मिले हैं, कंटोला जो भी बोलते हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर मिलेंगे कि नहीं। अब हम आ गए हैं अपनी मार्केट में विकासपुरी। तो ये हमारे घर के पास वाली मार्केट है। अब यहाँ पे देखिए अभी तो यहाँ पे भी भीड़ नहीं हुई है लोगों की। ये शंकर चौक है जो हम यहाँ से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, और अभी तो ये खुली नहीं है तो ऐसी लग रही है। और रात को तो ये इतनी सुंदर मार्केट लगती है, बहुत ज़्यादा लाइट में, चारों तरफ लाइट ही लाइट ये मार्केट में। और देखिए कितनी अच्छी मार्केट हमारी, ये घर के पास वाली मार्केट है ये। हम आ गए हैं घर और हालत हो गई है बहुत खराब। इनको लेने गए थे हम सुबह सुबह, इतना कि
काम घर का सारा पड़ा हुआ है, अभी झाड़ू लगाना, फिर जब नहाऊंगी धोऊंगी और पूजा करो। चलो चलो मिलिए, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, मैं नहा ली हूँ, धो ली हूँ और साफ़ सफाई वगैरह सारे काम हो गए हैं, पूजा भी कर ली है मैंने। अब मैं खाना बनाऊँगी और गर्मी इतनी पड़ रही है कि मैं नहाई हूँ पर नहाना धोना सब एक जैसा ही हो गया है, नहाना धोना कोई फ़ायदा नहीं। तो ये मम्मा ने अभी मेरे लिए दलिया बना के रखा है, अभी वो पक रहा है और ये रेडी हो जाएगा जल्द। आप देख सकते हैं बाहर कितनी गर्मी है और आज यहाँ पर ये फ्लावर्स भी हो गया। कितने क्यूट और सुंदर लग रहे हैं ये। यहाँ गर्मी में भी लू चल रही है, मतलब हवाएं चल रही हैं गर्म मौसम में, तो लू जैसा ही लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अब हमने खाना खा लिया है, अब हम थोड़ा डेजर्ट खा रहे हैं, तो डेजर्ट में थोड़ा मीठा हो जाए, तो उसके लिए हम खा रहे हैं ये मेरे पास कितना बड़ा आम है, ये देखो ये वाला डेजर्ट है, ये वाला आम हम लेके आए ना उनमें से निकला है, ये इतना बड़ा आम। वैसे वहां पे कोई ऐसे जैसे हम जो हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है वहां पे सब्जी मंडी में, वो उन्हीं के लिए फायदा है जो ज्यादा ज्यादा सब्जी लाते हैं, क्योंकि हमें तो वही हिसाब से मिली है, वही वाला भाव था हमारा, तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पर हम गए थे कि मेरे बन करेला मिल जाए, वो तो मिले नहीं मुझको, दोबारा जाके ट्राई करेंगे। अभी सोनू नहा रही है, सोनू खाना खाएगी, मैंने उसको मौसमी दे दी तो वो खा ली है उसने, तो नहा रही है, फिर उसके बाद स्कूल जाएगी वो, तो जल्दी से नहा ले फिर खाना खाएगी। अब गाइस, मैंने ये आम धो के रख दिए हैं, ये फल सारे धो दिया, मैंने इसको फ्रिज में रख दूंगी। मैं सोनू अब नहा लिया तो मैं उसको खाना दे देती हूँ। दोपहर में तो बनाया नहीं, क्योंकि हमने दोपहर में कुछ ऐसे फल फ्रूट और हल्का फुल्का ही खा लिया था, तो अब हमने ये रात को बनाए हैं छोले, अब हम ये छोले कुलचे खा रहे हैं। तो ये हमारा डिनर हो रहा है और ये ब्लॉग अब हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। तो आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, गुड नाइट।